हाय गाइज, वेलकम अगेन। सो कल जो भी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी और जो भी उसमें कहा गया है, जिन लोगों ने एमडी में 18 नवंबर के बाद में एडमिशन लिया हुआ है, उनको जो भी अभी जो भी दिक्कतें हो रही रूल्स की वजह से, वो ऑफकोर्स वो अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या हम कॉलेज चेंज करें या फिर दूसरी जगह जाए। तो इसका आंसर देना अभी के टाइम तो सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम अभी चेंज करोगे और कल अभी जो भी जो बहुत लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है अभी ये, तो पिटीशन फाइल करने के बाद अगर उसका कोर्ट मैटर होने के बाद अगर रूल्स चेंज हो गए तो फिर आपका ही नुकसान होगा। आपने 1.5 साल उधर पढ़ाई किया है, फिर कॉलेज चेंज करोगे, फिर रूल्स बदलेंगे, फिर से अपने आप को कोसोगे। तो उससे अच्छा अभी थोड़ा वेट करो और जो भी अभी पिटीशन मतलब वायरल हो रही है, कुछ घंटे पहले एक पिटीशन जारी किया था तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप वो पिटीशन भी साइन कर लो और आपके पेरेंट्स को भी बोल दो और उसको आपके फ्रेंड्स को सबको साइन करने के लिए बोल दो, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया छोड़ के जाता है तो सिर्फ वो उस साल का नहीं सोच के जाता है। जैसे कि मैं अभी जो फिलीपींस आने वाला था तो मैंने आगे के 6 साल का सोच लिया था कि इतना टाइम मुझे लगेगा, ये एग्ज़ाम मुझे देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बीच में NMC आके रूल चेंज कर जाएगी तो ये सही बात नहीं है। तो उसी के बारे में एक पिटीशन यहाँ पे वायरल हुई थी शायद, तो ये देखिए। सो इसमें लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज साइन दिस ऑनलाइन पिटीशन अगेंस्ट इनजस्टिस बीइंग डन बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल ड्यू टू रैंडम चेंजेस इन पॉलिसी गाइडलाइंस क्रिएटिंग अटर स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन। अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स हैज अ ग्रेट पावर टू रीच टू द ईयर्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स टू ब्रेक देयर साइलेंस एंड टेक द सब्जेक्ट इनटू अर्जेंट कंसिडरेशन फॉर लार्जर वेलफेयर ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। Your participation will give a strong representation in all legal petitions and discussions with respective stakeholders in anticipation of getting quick justice। और यहाँ पे उन्होंने पिटीशन का लिंक जारी किया हुआ है, तो अभी लिंक पे इन्होंने सेम चीज़ लिखी हुई, मिस यूज़ ऑफ पावर्स बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स परसिविंग MBBS इन फिलीपींस। सो एकदम सही बात है, क्योंकि अब तक तो ये जो भी BS का था उसको मेडिसिन में वैलिड बता रहे थे, पर अभी जो भी लोग इसमें फंसे हुए BS वाले, तो NMC को भी समझना चाहिए कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था फिलीपींस में तब ये रूल नहीं थे। अगर तब ये रूल होते, इन्होंने तब ये रूल बनाए होते तो वो एडमिशन नहीं लेते। तो अभी अब तक एक दो तीन घंटे में शायद 3,000 लोगों ने पिटीशन फाइल किया है और अभी भी कर रहे। तो अनुज गोयल बोल के कोई तो है सर, उन्होंने ये फाइल किया हुआ है, तो आप भी ये फाइल कर सकते हो। इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इसमें लिखा है उन्होंने, दिस पिटीशन इज ऑल अबाउट मिसयूजेस ऑफ पावर्स बाय नेशनल मेडिकल काउंसिल विच केम टू एग्जिस्टेंस इन 8th August 2019 एज नेशनल बॉडी रिप्रेजेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम दैट इम्प्रूव्स एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता, सेम ही चीज़ है जब MCI था तब भी। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, या हम पे डिपेंड है हम कैसे सीखते हैं। प्रमोटिंग इक्विटेबल एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर दैट इनकरेजेस कम्युनिटी हेल्थ परस्पेक्टिव एंड मेक सर्विस ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन। मेरे को नहीं पता इनको ये चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये जो नए नए रूल्स ला रहे हैं इसके हिसाब से तो इनको कोई भी स्टूडेंट्स को फॉरेन में जाने नहीं देना है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनको इंडिया के प्राइवेट सीट भरने का बहुत शौक है। बट कॉन्ट्ररी टू द primary responsibilities, NMC has played an adverse role in creating situation full of confusions without any solutions. Barabar hai. This whole issue is about the premeditated mindset of NMC to discourage students from pursuing their medical careers abroad. Ekdam barabar hai. Mere khayal se kya ho raha hai pata hai kya? To jo bhi NMC wale inko jo bahar bachche ja rahe hai abroad mein, to mere khayal se jo bhi private seats hai India ke wo to nahi bhar rahe, unko paisa nahi mil raha hai mere khayal se, isi wajah se ye naye naye rules la rahe, confusion creates kar rahe students mein, जो कि जिसकी वजह से कोई पैसे भी ना खर्चे और अब्रूड कोई आए भी ना। तो अभी इस ऐसे और इसमें 3 क्वेश्चन NMC से किए हैं पिटीशन जिसने मतलब फाइल किया है उन लोगों ने। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि नीट का स्कोर के बारे में पूछा है, और जो भी फिलीपींस में अभी BS को जो वो अलाउ नहीं कर रहे ड्यूरेशन कैलकुलेट करने में डिग्री का, तो उसके बारे में पूछा है। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन अभी इन लोगों ने 2021 में फाइल किया है उसके बारे में भी उन्होंने पूछा है, और सब स्टूडेंट्स को बोला है कि आप उसको फाइल करो, जैसे कि उनको सपोर्ट मिलेगा।
तो फिर वो पिटीशन कोर्ट में लेके जाएंगे। तो अभी अपने पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, एक मतलब दो, जो भी होगा आपको लीगल तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल के तो कुछ होने वाला नहीं है, जो भी करना होगा लीगली करना होगा। आप खुद से भी केस कर सकते हो, और अभी ऐसे पिटीशन जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जारी किए जाते हैं तो उसको भी आप भर सकते हो। अभी 3,000 साइन किया हुआ इन लोगों ने, तो आप भी जल्द से जल्द कर दो ऐसे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि क्योंकि यही एक ऑप्शन है। आप ये फाइल कर दो, वरना फिर आपके हिसाब से आप अपना खुद का पर्सनल पिटीशन फाइल कर दो, क्योंकि उसके सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। आपके 2 साल वेस्ट ही जाने वाले हैं अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो। थैंक यू। और अभी और कुछ न्यूज़ आ गई आई आई या फिर और कोई पिटीशन वगैरह कुछ एडवाइजरी वगैरह आई तो मैं आपको बता दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रख देना, आपको पता चल जाएगा।